वो इंशाल्लाह पूरी इंशाल्लाह। ये जो कहते हैं रबड़ की गोलियां मारी हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। रबड़ की गोलियां भी लगी हैं कुछ लोगों को, लेकिन स्ट्रेट फायर हुआ है। और ये बिल्कुल चौधरी निसार का जो फैजाबाद के सामने घर है उसके अंदर से ये फायर हुआ है, जिसकी वजह से ये शख्स, एक जो हमारी मालूमात है वो डेथ हो चुका है और ये जो है शदीद जख्मी। ये देख सकते हैं आप जो बुजुर्गों को सुबह पुलिस ने बाजू में और भेज दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सुबह पुलिस के तशद्दुद से बुजुर्ग जिन पे पुलिस ने तशद्दुद किया था उनकी शहादत हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ उलमाए अहले सुन्नत के और तरीके लब्बे के हज़ारों कारकुनान यहाँ पे अस्पताल में मौजूद हैं। ये ख़त्मे नबूवत धरने के पहले शहीद हैं जिनको पुलिस ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीट घसीट कर इनको शहीद किया है। ये आप क्या कहना चाहेंगे ये जो आज शहीद हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु सलाम अलैका सैयदी या रसूलल्लाह। इस वक्त रावलपिंडी के बेनज़ीर हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी तादाद में अहबाब को ज़ख्मी लाया जा रहा है और ये बकवास कर रहे हैं कि हमने रबड़ की गोलियाँ मारी, उन्हें सीधे फायर किए हैं। कुछ अहबाब जामिया मोहम्मदिया ज़ियाल-उल-उलूम जो पीर सैयद ज़ियाउल अख़शा साहब का जामिया है उसके तलबा इस वक्त हॉस्पिटल में एमरजेंसी वार्ड में और शदीद ज़ख्मी हैं। और इस वक्त तक ऑफिशियली वैसे तो मैं लातदाद इस वक्त वहाँ पर लोग ज़ख्मी तशवीश हालत में, इस वक्त जो ऑफिशियली 5 बंदों की इस वक्त शहादत हो चुकी है फैजाबाद में और हॉस्पिटल में इस वक्त देख रहे हैं। तो तमाम अहबाब अपने शहरों में जो एहतजाज कर रहे हैं जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको वो भी शहीद दिखाते हैं जिनको सर पे गोलियां मारकर शहीद किया गया है। आप देख सकते हैं ख़त्मे नबूवत के शहीद जिनको सर में गोलियां मारकर शहीद किया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये जामिया रिजविया सदर ज़ियाउल-अख़शा सुल्तानपुरी साहब के मदरसे का तालबे इलम है जिसको सुबह ही पुलिस ने स्टेट फायर करके जो है शहीद किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उलमाए इकराम की और तहरीक-ए- लब्बैक की कसीर तादाद पहुँच चुकी है और पुलिस यहाँ पे ये रिपोर्ट बना रही है। चले बिस्मिल्लाह, स्ट्रेचर काश भाई आगे निकाल ये ख़त्मे नबूवत के दूसरे शहीद हैं जिनको सर पे डायरेक्ट फायर करके जो है वो गोलियां सर में मारी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। ये
کیا کہنا چاہیں گے آج کے حوالے سے جو شہید ہوئے ہیں یہ تیسرا شہید ہے انتہائی ظلم ہے انتہائی زیادتی ہے جی اور انشاءاللہ اس کا جلد تدارک ہوگا انشاءاللہ جلد تدارک ہوگا اور اس بچے کے لیے خصوصی جو سننے والے ہیں ان کو میں بولوں گا دعا عطا بھائی ہیلو باقی پلیز ایک منٹ رستہ دے نا تھوڑا جہاں سر جی پراپر پریس کر دے رہا سر اب ہم یہاں پہ پہلے یہ دیکھ رہے ہیں میں کر دیتا ہوں ابھی کر دیتے ہیں سچن ٹھیک ہے سی جاؤ گاڑی میں تو بریک ہاں ایسے نا کھڑ نال آ سی پولیس نے گولیاں ماری ہیں کدھر ہیں صبح فیض آباد پولیس نے گولیاں ماری ہیں ختم ہو گئی